क्लास है हमारी, थर्ड क्लास, थर्ड एंड फोर्थ का चैप्टर है हमारा प्रोनाउंस। क्या है टॉपिक? है प्रोनाउंस। है सब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश ग्रामर, उसी में हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे। प्रोनाउंस क्या कहते हैं, प्रोनाउंस की डेफिनेशंस क्या होती है, प्रोनाउंस किसे कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रोनाउंस किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशंस है वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस। नाउंस तो हमने पढ़ी है, लास्ट टाइम हमने नाउंस पढ़े थे। नाउंस किस की क्या होते हैं, नाउंस है होते हैं कोई भी नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी भी पर्सन प्लेस थिंग्स के नेम्स क्या कहलाते हैं, नाउंस कहलाते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस, तो उसी नाउंस के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। कुछ हम शॉर्टली में प्रोनाउंस देखते हैं। पहला हमारा प्रोनाउन है आई। तो आई किसके लिए यूज़ होता है, अवर सेल्फ यानी हमारे खुद के लिए यूज़ होता है। यू किसके लिए यूज़ होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं। और ही यानी कि ही किसी को मतलब शो करने के लिए, किसी मेल पर्सन को शो करने के लिए ही का वर्ड यूज, ही वर्ड का यूज़ होता है। शी, तो शी किसके लिए यूज़ होता है, गर्ल के लिए। नेक्स्ट है वी। तो वी ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ करते टाइम ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, पर्सन का ग्रुप होता है, उसमें हम आई यानी कि हम खुद भी इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पर क्या किसका यूज़ होता है, वी का। नेक्स्ट है दे। तो दे का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर आई यानी कि हम खुद इंक्लूड नहीं होते हैं। और इट किसी थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। अब इसमें भी क्या होते हैं, केसेस होते हैं, उन्हें बोलते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये सभी हमारे क्या होंगे, सब्जेक्टिव। ये क्या होंगे, सब्जेक्टिव। इन्हें बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। तो जहाँ पर सब्जेक्ट का यूज होता है वहां पर सब्जेक्ट ये लगते हैं, और इन्हीं को ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं। तो आई का क्या बन जाता है, मी। आई का क्या बन जाएगा, मी। नेक्स्ट है यू। तो यू किसी एक इंसान के लिए यानी कि आगे वाले इंसान से हम बात करें, वो अकेला है तो उसके लिए भी यूज होगा, और अगर बहुत सारे हैं तो उसके लिए भी यू ही यूज होगा। तो यू का भी सब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू। नेक्स्ट है ही। तो ही मैंने आप सभी को बता रखा है कि ही किसके लिए यूज होता है, मेल पर्सन के लिए यूज होता है। फिर उसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हिम। क्या बन जाएगा, हिम। नेक्स्ट है शी। तो शी का क्या बन जाएगा, शी का सब्जेक्टिव केस क्या है, शी है। नेक्स्ट उसको ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो शी का क्या बन जाएगा, हर। क्या बन जाएगा, हर। नेक्स्ट है वी। तो वी का क्या बन जाएगा, अस। क्या बन जाएगा, अस। नेक्स्ट है दे। तो दे का क्या बन जाएगा, दे में हम खुद इंक्लूड नहीं रहते हैं, तो दे का बन जाएगा देम। नेक्स्ट है इट। तो इट का एज इट इज, इट ही यूज होगा। इसमें है दो केसेस हैं जो एज इट इज यूज होते हैं। यू का भी सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। नेक्स्ट है इट। इट का भी सब्जेक्टिव में भी इट ही होता है और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस में भी इट ही यूज होगा। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू इजीली वापस देख लेते हैं। तो पहला है हमारा आई। तो आई का क्या बन जाएगा, एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ फ्रेंड, केयर्स मी। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आई तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और नेक्स्ट क्या है, मी। तो मी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट है, एंड मी क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यू। तो यू का अब हम देखते हैं यू। तो यू का एग्जांपल देखते हैं। यू आर अ टीचर, टीचर। एंड नेक्स्ट वापिस आ गया, यू टीचेज अस। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी क्या है,
यू एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी वापस क्या है, एज इट इज यू ही रहेगा। तो ये क्या है, सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ही। नेक्स्ट हम देखते हैं ही वाला, तो ही इज माई फ्रेंड, आई मेट टू हिम। तो यहाँ पर ही तो देखिए पहले क्या आ गया, ही आ गया, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हिम, ही का क्या आ गया, ही का हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं शी वाला। नेक्स्ट है हमारा शी, तो शी का लिखते हैं हम, एग्जांपल देखते हैं, शी इज माय फ्रेंड, आई गिव हर माय पेन। तो वो क्या है, मेरी फ्रेंड है और मैंने उसको मेरी पेन दी। तो शी का सब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो ये क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट है। समझ में आया। अब हमने वी वाला देखा ही था कि वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। तो हम सेंटेंस के थ्रू हम इजीली समझते हैं, वी आर स्टडिंग, डोंट डिस्टर्ब अस। तो यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्टिव है, और वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। तो यहाँ पर अस का यूज हो गया। नेक्स्ट है दे। अब हम देखते हैं दे का, दे आर गोइंग टू होम, सो प्लीज डोंट स्टॉप देम। तो यहाँ पर दे का क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव डैम बन गया। समझ में आ गया। ये तो दे तो क्या है, सब्जेक्ट है, और डैम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इट वाला, तो इट का देखते हैं हम, इट इज अ पेट, इट कॉल्ड रॉकी। तो यहाँ पर एक पेट है, पेट होते ही है ना घर में, आप सभी को पता ही होगा, जो हम पेट्स यानी कि जो जानवर पालते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इट का वापस ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, इट ही होगा। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होंगे। किस किस वर्ड के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सेम होते हैं, तो यू एंड इट, ये ध्यान रखना आप सभी। अब हमने जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस पढ़े, ये सभी क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि आई का मी हो गया था, वी का अस, यू का वापिस यू ही, इट का भी इट, ही का हिम, एंड शी का हर, एंड दे का देम। ये सभी क्या कहलाते हैं, वन वर्ड में पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हम देखते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव का अर्थ होता है, पजेसिव का मीनिंग क्या होता है, किसी पर भी अधिकार करना। तो उसकी डेफिनेशंस देखते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो ओनरशिप और पजेशन। ऐसी कोई थिंग्स होती है या चीज़ें होती हैं, उन पर अपना मतलब क्या पजेशन यानी कि अधिकार या हक जमाने के लिए हम वो यूज़ करते हैं, तो क्या कहते हैं उस वर्ड को, क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं या फिर पजेशन कहते हैं, ठीक है। एक और शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई सिंबल आता है, ऐसा जो भी वो ऊपर जो कॉमा होती है उसे क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रॉफ, क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रॉफ। उस सिंबल को क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रॉफ। तो ऐसा वर्ड या सेंटेंस जिनके बीच में ये आता है और उसका वो क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं या पजेशन शो करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इजीली समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते इजीली। दिस इज जेनीज बुक, ये आया ना यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ, एरो पीछे क्या ऐड हो गया, एस हो गया, एस ऐड हो गया। दिस इज जेनीज बुक, दिस बुक इज हर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपोस्ट्रॉफ यहाँ पर यूज हुआ और उसके पीछे एस यूज हो गया, और ये बुक पर हक जमाने यानी कि
वो बुक किसकी है? जैनी की बुक है। तो ये हक जमा रहे यानी कि पजेशन या पजेसिव शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउंस। एक और इसका केस है कि दिस बुक इज हर्स, ऐसे कोई वर्ड्स जिनके पीछे एस आता है लेकिन एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं होता, एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं होता, तो वो भी क्या कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो इसमें ये जो ये वाला वर्ड है तो ये भी क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल है, और ये भी है, ये भी पजेसिव प्रोनाउंस ही कहलाता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं, ये जैसे कि हमने देखा हर्स, तो उसी के उसी टाइप से कुछ और प्रोनाउंस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि माइन है, योर्स है, अवर्स है, अवर्स है, हीज है, हर्स है, एंड देयर्स है। तो इन सभी के पीछे माइन को छोड़कर, ये वाला जो माइन वर्ड है इसको छोड़कर बाकी सभी के पीछे क्या एस एस एड हो गया है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? माइन भी इंक्लूड है, तो इन सभी को क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसका भी दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पर माइन वर्ड क्या है, क्या कहलाएगा? पजेसिव पजेशन या पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा, यानी कि उस पर हक जमा रहा है, पेन पर हक या अधिकार जमाने वाला वर्ड कौन सा है? माइन। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस बुक इज योर्स, तो ये जो योर्स के पीछे भी क्या है? एस है, तो ये भी क्या कहलाता है? पजेसिव प्रोनाउंस कहलाता है। समझ में आया ना? अब हम पढ़ते हैं इन्हीं के कुछ एक्सरसाइज पढ़ते हैं। पहला हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विद हीज हर्स अवर्स योर्स एंड देयर्स, तो इनमें क्या करना है हमें? ये सभी क्या थे, मैंने आप सभी को बताया था, पीछे एस लगने वाले क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउंस कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, टीना हैज बोरोड माय पेन, शी हैज मिसप्लेस्ड। तो टीना क्या है? एक लड़की है, तो लड़की के लिए कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? हर्स। क्या आएगा? हर्स आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा द बुक विच यू लॉस्ट इज, तो यहाँ पर यू है, यू आया, तो यू का क्या बन जाएगा? योर्स बन जाएगा, यू का पजेसिव योर्स बन जाएगा। समझ में आया? ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई है। अब हम पढ़ते सेकेंड वाली, अंडरलाइन द पजेसिव प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंसेस। पजेसिव कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता ही है, पीछे एस लगता है या फिर बीच में अपोस्ट्रोफ का सिंबल होता है। तो हम इसका फर्स्ट वाला देखते हैं, दैट इज देयर हाउस, दैट हाउस इज देयर्स। तो यहाँ पर देयर, यहाँ पर तो क्या है? देयर है, और यहाँ पर देयर्स है, तो पीछे कौन सा लगा? पीछे एस किसके लगाए? इस वाले के ना, तो ये क्या करना है? अंडरलाइन करना है। समझ में आया? नेक्स्ट, आई लॉस्ट द पिंक हैट, इट वॉज हर्स। तो इसमें किसी पजेसिव नाउन कौन सी होगी, सॉरी पजेसिव प्रोनाउंस कौन सी होगी? हर्स। बहुत इजी था ना, समझ में आया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। जो हमने प्रोनाउंस पढ़े आई वी मी सभी, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? पहला देखते हैं हम इसका भी, पहले ब्लैंक्स है, फिर एम अ स्टूडेंट, तो इसका भी एक रूल्स है कि मी और शी के साथ, सॉरी इसमें देखते हैं, मी और शी छोड़ दीजिए, आई है, नेक्स्ट क्या है? आई, तो आई के हमेशा आई के साथ एम ही लगता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा? आई। किसी भी प्रोनाउंस के बाद एम लगता है, वो प्रोनाउंस कौन सा है? आई, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आई ही आएगा। नेक्स्ट है, ब्लैंक से टुक द डॉग विद अस, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोनाउन कौन सा है? अस है, तो अस किसका ऑब्जेक्टिव था आप सभी को पता ही है, आई का तो क्या था? मी था, ही का क्या था? हिम था, तो वी का क्या था? अस था ना, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? वी। समझ में आया? बहुत ईजी था ना। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब शेयर लाइक और कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अनदर अपडेट्स। थैंक यू।